आइए बात करते हैं इस वीडियो में कि ये कोरोना की स्टेजेस क्या होती है। पहली स्टेज, विदेश से नवाकुर आया, एयरपोर्ट पर उसको बुखार नहीं था, उसको घर जाने दिया गया, पर उससे एयरपोर्ट पर एक शपथ पत्र भरवाया गया कि वह 14 दिन तक अपने घर में कैद रहेगा और बुखार आदि आने पर इस नंबर पर संपर्क करेगा। घर जाकर उसने शपथ पत्र की शर्तों का पालन किया, वह अपने घर में कैद रहा, यहाँ तक कि उसने घर के सदस्यों से भी दूरी बनाए रखी। नवाकुर की मम्मी ने कहा कि अरे तुझे कुछ नहीं हुआ है, अलग थलग मत रहा है, इतने दिन बाद घर आया है, घर का कुछ खाना खा ले, आया तू किचन में, मैं तुझे गर्मा गर्म परोस दूं। पर नवाकुर ने मना कर दिया। अगली सुबह मम्मी ने फिर वही बात कही, इस बात पर नवाकुर को गुस्सा आ गया, उसने मम्मी को चिल्ला दिया, मम्मी की आंख में आंसू तक आ गए, मम्मी बुरा मान गई। नवाकुर ने सबसे अलग थलग रहना चालू रखा। 6-7 दिन बाद नवाकुर को बुखार सर्दी खांसी जैसे लक्षण आने लगे। नवाकुर ने हेल्पलाइन पर फोन लगाया, कोरोना टेस्ट किया, वह पॉजिटिव निकला। उसके घर वालों का भी टेस्ट किया गया, वह सभी नेगेटिव निकले। पड़ोस की 1 किलोमीटर की परिधि में सबसे पूछताछ की गई, ऐसे सब लोगों का टेस्ट भी किया गया। सबने कहा कि नवाकुर को किसी ने घर से बाहर निकलते नहीं देखा, क्योंकि उसने अपने आप को अच्छे से आइसोलेट किया था, इसलिए उसने किसी और को कोरोना नहीं फैलाया। नवाकुर जवान था, कोरोना के लक्षण बहुत मामूली थे, बस बुखार सर्दी खांसी बदन दर्द आदि हुआ। 7 दिन की ट्रीटमेंट के बाद वह बिल्कुल ठीक होकर अस्पताल से छुट्टी पाकर घर वापस आ गया। जो मम्मी कल बुरा मान गई थी, वो आज शुक्र मना रही थी कि घर भर को कोरोना नहीं हुआ। यह पहली स्टेज जहां सिर्फ विदेश से आए आदमी में कोरोना है, उसने किसी दूसरे को यह नहीं दिया। अब आइए बात करते हैं स्टेज 2 की। राजू में कोरोना पॉजिटिव निकला, उससे उसकी पिछले दिनों की सारी जानकारी पूछी गई। उस जानकारी से पता चला कि वह विदेश नहीं गया था, पर वह एक ऐसे व्यक्ति से संपर्क में आया था जो हाल ही में विदेश होकर आया है। वह परसों गहने खरीदने के लिए एक ज्वेलर्स पर गया था। वहाँ के सेठ जी हाल ही में विदेश घूमकर लौटे थे। सेठ जी विदेश से घूमकर आए थे, उनको एयरपोर्ट पर बुखार नहीं था, इसी कारण उनको घर जाने दिया गया, पर उनसे शपथ पत्र भरवा लिया गया कि वह अगले 14 दिन एकदम अकेले रहेंगे और घर से बाहर नहीं निकलेंगे, घर वालों से भी दूर रहेंगे। विदेश से आए इस गंवार सेठ जी ने एयरपोर्ट पर भरे गए उस शपथ पत्र की धज्जियां उड़ाई। घर में वह सबसे मिला, शाम को अपनी पसंदीदा सब्जी खाई और अगले दिन अपनी ज्वेलरी दुकान पर जाकर बैठ गया। सेठ जी क्या बोलता है, पागल हो गया, सीजन का टेम है, लाखों की बिक्री है, ज्वेलर साहब अपनी दुकान बंद थोड़े ना करेंगे। 6वें दिन ज्वेलर को बुखार आया, उसके घर वालों को भी बुखार आया, घर वालों में बूढ़ी माँ भी थी। सबकी जांच हुई, जांच में सब पॉजिटिव निकले, यानी विदेश से आया आदमी खुद पॉजिटिव, फिर उसने घर वालों को भी पॉजिटिव कर दिया। इसके अलावा मैं दुकान में 450 लोगों के संपर्क में आया, जैसे नौकर चाकर ग्राहक आदि, उनमें से एक ग्राहक राजू था। सब 450 लोगों का चेकअप हो रहा था, अगर उनमें से एक में पॉजिटिव आया तो भी ये सेकंड स्टेज है। डर ये है कि इन 450 में से हर आदमी ना जाने कहां कहां गया होगा। कुल मिलाकर स्टेज 2 यानी जिस आदमी में कोरोना पॉजिटिव आया है, वह विदेश नहीं गया था, पर वह एक ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आया है जो हाल ही में विदेश होकर आया है। आइए बात करते हैं स्टेज 3 की। राम सिंह को सर्दी खांसी बुखार की वजह से अस्पताल में भर्ती किया गया, वहाँ उसका कोरोना पॉजिटिव आया, पर राम सिंह ना तो कभी विदेश गया था, ना ही वह किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आया जो हाल ही में विदेश होकर आया है। यानी हमें अब वह स्रोत नहीं पता कि राम सिंह को कोरोना कहाँ लगा और कैसे लगा। स्टेज 1 थी जहाँ पे आदमी खुद विदेश से आया था, और स्टेज 2 में पता चला जहाँ पे सेठ जी और उनके संपर्क में आए हुए लोग सबका टेस्ट किया गया और उनको 14 दिन के लिए अलग थलग कर दिया गया। स्टेज 3 में आपको स्रोत ही नहीं पता, स्रोत नहीं पता तो हम स्रोत को पकड़ नहीं सकते, उसको अलग थलग नहीं कर सकते, वह स्रोत ना जाने कहाँ होगा और अनजाने में कितने सारे लोगों को इन्फेक्ट कर देगा। आइए जानते हैं स्टेज 3 बनेगी कैसे। सेठ जी 450 लोगों के संपर्क में आए, जैसे ही सेठ जी के पॉजिटिव होने की खबर फैली तो उनके सभी ग्राहक, नौकर नौकरानी, घर के पड़ोसी, दुकान के पड़ोसी, दूध वाला, बर्तन वाला, चाय वाला, सब अस्पताल को दौड़े। सब लोग कुल मिलाकर 440 थे, 10 लोग अभी भी नहीं मिले। पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की टीम उनको ढूंढ रही है। उन 10 में से अगर कोई किसी मंदिर आदि में घुस गया, ट्रेन के अंदर घुस गया, तब यह वायरस खूब फैलेगा। दोस्तों यही स्टेज 3 है जहां आपको स्रोत का पता ही नहीं है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि स्टेज 3 का उपाय क्या है। 14 दिन का लॉकडाउन कर्फ्यू लगा दो, शहर को 14 दिन एकदम तालाबंदी कर दो, किसी को बाहर ना निकलने दो। आइए आपको बताता हूँ इस तालाबंदी से क्या होगा। हर आदमी घर में बंद है, जो आदमी किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में नहीं आया है तो वह सुरक्षित है। तो ज्ञात स्रोत है, वह भी अपने घर में बंद है, जब वह बीमार पड़ेगा तो वह अस्पताल में पहुंचेगा और हमें पता चल जाएगा कि अज्ञात स्रोत यही है। हो सकता है कि इस अज्ञात स्रोत ने अपने घर के 4 लोग और संक्रमित कर दिए हैं, पर बाकी का पूरा शहर तो बच गया। अगर लॉकडाउन ना होता तो वह स्रोत पकड़
नजर में नहीं आता और मैं ऐसे हजारों लोगों में कोरोना फैला देता, फिर ये हजार अज्ञात लोग लाखों में इसको फैला देते, इसलिए लॉकडाउन से पूरा शहर बच सकता है और अज्ञात स्रोत पकड़ में आ जाएगा। अब क्या करें कि स्टेज दो स्टेज तीन में ना बदले, अर्ली लॉकडाउन यानी स्टेज तीन आने से पहले ही तालाबंदी कर लो। उदाहरण के लिए वापस समझिए, सेठ जी एयरपोर्ट से निकले, उन्होंने धज्जियां उड़ाई, घर पर को कोरोना दे दिया, सुबह उठकर दुकान खोलने गए। गजब आदमी हो यार, सीजन का टेम है, लाखों की बिक्री होगी, दुकान खोलनी तो बहुत जरूरी है। ये कौन कहेगा सेठ जी अपनी दुकान बंद कैसे कर ले, पर चूंकि तालाबंदी है तो पुलिस वाले सेठ जी की तरफ डंडा लेकर दौड़ेंगे, डंडा देकर सेठ जी छटा लगाकर भागेंगे। अब चूंकि मार्केट बंद है तो 450 ग्राहक भी नहीं आएंगे, सभी बच गए, राजू भी बच गया, बस सेठ जी के परिवार को कोरोना हुआ। छठवें दिन या सातवें दिन तक कोरोना के लक्षण सामने आ जाते हैं। विदेश से लौटे लोगों में लक्षण आ जाए तो उनको अस्पताल पहुंचा दिया जाएगा और नहीं आए तो इसका मतलब वो कोरोना नेगेटिव है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में, सभी रिश्तेदारों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, जिनसे उन्हें हर स्टेजेस के बारे में जानकारी हो जाए। और आपसे भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि 14 दिनों तक लॉकडाउन की स्थिति में रहे। दोस्तों मैं बस एक ही विनती करना चाहूंगा कि प्रार्थना करिए कि हे परमात्मा, इस कोरोना वायरस को जितना जल्दी हो सके खत्म कीजिए। वो बैठा परमात्मा, वो ऊपर बैठा बाजीगर, हम सबकी रक्षा।